हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं पटना, और कुछ काम था हमें, बीच में हमें टाइम मिला तो ये हमने अपने कार में कुछ काम कराया था। जब से हम लोग गाड़ी लिए हैं तब से कोई डेकोरेशन का काम नहीं हुआ था, तो बीच में अभी हमें टाइम मिला है तो कुछ कुछ काम हम लोग कराए हैं, जिसमें कि एक गणपति बापा का फोटो लगाए हैं, दूसरा कि ये लाइट परफ्यूम लगा लिए हैं, थोड़ा मैडम जी के सेहत का ख्याल रखते हुए तो हार्ड स्मेल से वोमिटिंग प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग लाइट वाला परफ्यूम लगाए हैं। बाकी इधर आप देख रहे होंगे नया कुछ सीट पे टॉवेल लगवाए हैं, क्योंकि इसमें कोई कवर वगैरह नहीं था, इस वजह से ये टॉवेल लगवा लिए हैं। तो अभी हम लोग पटना जंक्शन पे रुके हुए हैं, गाड़ी पार्क करने आए थे, क्योंकि अभी हमें 2 घंटा वेट करना है, जिस काम की वजह से आए हुए हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ अभी हम लोग गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा पार्क में वेट करेंगे। बहुत ही बदल गया, देख रहे हैं सीन तो दिखा। ये है हमारा पटना जंक्शन, बहुत ही चेंज हो गया है, आगे का फ्रंट बहुत ही चेंज हो गया है। यहाँ पे एक एक चीज दर्शाया गया है, बिहार में शांति स्तूप, महात्मा बुद्ध, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक, इधर बौद्धि वृक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत कुछ, मौर्यकालीन दक्षिणी। और ये रहा पीछे में हनुमान मंदिर, और ये है पटना का सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बुद्ध स्मृति पार्क। अब हम लोगों ने टिकट ले लिया है, ये हम लोग को बस पार्क में जाना है, उसका टिकट है पर पर्सन बहुत एंजॉय करेंगे 20 रुपया पर पर्सन। तो मैं पटना बहुत बार आई हूँ, बट पार्क में आज पहली बार आ रही हूँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख, बहुत खाली खाली भी है और सब लोग है, बट बहुत बड़ा है तो सब अपने अपने फोटो सेल्फी काम कर रहे हैं। एक बार आया, दूसरा बार हुआ मेरा, हाँ बढ़िया है। और हम लोग पटना कुछ काम से आए थे, जो कि सडनली प्लान बना, उसमें थोड़ा अभी टाइम लगने वाला है, तो टाइम पास के लिए आ गए पार्क में, वरना नहीं आते। हाँ, और उस काम में अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, जिसके वजह से हम लोग रुके हुए हैं, तो अभी पार्क आए हैं टाइम पास करने के लिए। पीछे का दिखाओ, पार्क का ये गुंबद दिखाओ, ये स्तूप है ना, स्तूप है आगे से। इसके अंदर जाने के लिए 50 रुपया चार्ज है। पाटलिपुत्र करुणा स्तूप जो कि इसका नाम है, हम लोग आपको स्तूप के तरफ ले चलते हैं। वाटर फाउंटेन जो कि अभी शायद चल नहीं रहा है, थोड़ा सा और शाम होए तब ये चलेगा, स्टार्ट होगा। बाकी आप देख सकते हैं पटना का अपार्टमेंट, इसके साइड साइड से आपको सारा अपार्टमेंट दिख जाएगा। और अभी शाम का जो नज़ारा है, वाह, ये तो हम देखना ही भूल गए। पुत्र करुणा स्तूप जो कि आप देख सकते हैं,
से बहुत ही अच्छा सा मंत्रोच्चारण का आवाज आ रहा है, देख सुन सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा मंत्र उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे मंत्र उच्चारण हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है शाम के टाइम में। मन तो कर रहा है यहीं पे रह जाए। ना ना यहाँ नहीं रहना है, चलना है घर। हाँ। चलना है, ज्यादा भावना में मत आओ, ठीक है। ये कहीं अंदर में मंत्र उच्चारण हो रहा है, मे बी शायद स्तूप के अंदर हो रहा हो, जो कि ये पार्क में वहाँ पे साउंड बॉक्स वगैरह कुछ सिस्टम है जिसके वजह से बाहर आवाज वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ा कम हो गया है साउंड यहाँ पे। ये हम लोग पीछे साइड में आ गए हैं, ये पीछे साइड में आ गए हैं। यहाँ का पार्क वैसे अच्छा है, अगर जो टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड करना है तो आके यहाँ पे आप, अभी खैर ठंडा का टाइम है तो दिन में भी आ सकते हैं आप, है ना, दिन में भी आके आप बैठ सकते हैं। ये वैसे इसका जो टाइमिंग है पार्क का 9 बजे सुबह से लेकर 7 बजे तक का टाइमिंग है, तो आप आराम से आ सकते हैं दिन में भी और इधर आके बैठ सकते हैं। बैठने का भी देखिए, आप काफ़ी लोग इधर बैठे हुए भी हैं, दिख रहा होगा आपको, इधर आके बैठ सकते हैं आराम से, आपका टाइम भी निकल जाएगा। और घूमने का ये अच्छा जगह है, इसमें म्यूजियम भी है, म्यूजियम भी है और स्तूप के अंदर भी आप जा सकते हैं, उसका अलग अलग आपको चार्जेज लगेंगे। और आप यहाँ के जंगल में भी वीडियो कर बना सकते हैं। वो उधर वाटर फाउंटेन है, चले वो देखो अंदर दिख रहा है, अरे वो सामने देखो ना पानी जो होता है, चश्मा लगाओ ना फिर दिखेगा। अच्छा बहुत तेज हो रहा है अभी। इससे पता चल रहा है कि हम लोग पटना में आ चुके हैं, बहुत ही नीचे से जाता हुआ, बिल्कुल नीचे से, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लोग आ गए हैं जंगलों के बीच, ये दोनों साइड में जंगल है ऐसे पेड़, तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे तो। और बहुत लोग ऐसे जिनको लग रहा है कि ठंडा ही नहीं लग रहा है, ठंडा ही खत्म हो गया, इधर से हाफ गाउन पहन के लड़कियाँ, बाप रे बाप। ये हनुमान मंदिर दिख रहा है ना, फिर ये हनुमान मंदिर दिख रहा है ना, वाओ करते हैं, चलेगा तो वीडियो बनाएंगे। अच्छा लेजर, ये लेजर मैं यहाँ का, अभी तक कोई भी फाउंटेन नहीं चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही चल रहा था, बट हम लोग अभी उधर ही थे। बहुत अच्छा लगा, लगे अपने घर पे हैं, भाई मिले, ये सब चीजें जो बिहार से बाहर कोई बहुत ज्यादा मच्छर। फाइनली अब हम लोग का काम हो गया है, कॉल आया था और हम लोग जा रहे हैं वहीं, बहुत अंधेरा हो गया, मीन्स 6 बज गया है और अब हम लोग बस अपना जो काम है वहाँ पे जा रहे हैं और अब ब्लॉग का एंड करेंगे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, अगर आप पटना आए हैं या पटना के हैं तो वो लोग आते ही होंगे, पटना आने वाले हैं। हाँ जो भी अगर पटना रहे यहाँ जरूर आए पार्क में, अगर आपके पास टाइम है तो। ये जानकारी के लिए बता दे, ये है बुद्धा स्मृति पार्क जो कि पटना रेलवे जंक्शन के जस्ट बगल में है, महावीर मंदिर के जस्ट सटे हुए है। आप लोग अगर जो पटना जंक्शन आ रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैदल ही आ सकते हैं, 2 मिनट लगेगा। ये स्तूप हम लोग ने अपना गाड़ी पार्क किया है जंक्शन पे
वहाँ से यार सेफ जगह और कहीं नहीं है, वहाँ पे आराम से 60 रुपया दीजिए और 3 घंटा तक पार्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे लगाने से बेटर है, पता नहीं कब कौन सा टांग के लेके चला जाए। बहुत अच्छा लगा, एक भाई कोई मिल गए थे भैया जो कि यहाँ पटना के डॉक्टर दिलीप कुमार राणा थे, वो हम लोग के यहाँ ही मोतिहारी साइड के हैं। सो उनसे उनसे इनका बातचीत हो गया, वो फोटो लेने के लिए बोले, उसके बाद से अच्छा लगा उनसे बात करके। बहन भाई बोल रहे थे ऐसे, मीन्स फ्रेंक थे वो। हाँ, डॉक्टर दिलीप कुमार राणा, हाँ वो पटना में नारायणी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जैसा कि वो बता रहे थे, मालूम नहीं। हाँ हम लोगों को तो पता नहीं, बट वो बता रहे थे कि वो नारायणी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। पहले सारा बैलून का फोटो लेंगे। बैलून भी हम लोग ले लिए हैं, बेचारी बच्ची बैलून बेच रही थी, पता नहीं कोई लिया भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सस्ता 10 रुपए में दे दी, वो छोटा वाले बैलून जो होते हैं वो 10 रुपए में देते हैं। ये देखिए सस्ता ना हमारा, एक बैलून ऊपर, 3 बैलून नीचे, 4 बैलून हमारे पास तो, और एक डंडी भी है। हमारे पास तो बच्चे है नहीं, कोई नहीं। मकान मालिक का बेटा पोता है, हैप्पी हैप्पी को दिया जाएगा। हम लोग बाहर आ गए हैं और हम जा रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं। पटना का ये है पटना का रोड, स्टेशन से तेजर रोड, तेजर रोड बोलते हैं इसको। ना पटना जंक्शन है, रात में ऐसा दिखता है पटना जंक्शन, देख सकते हैं आप लोग। रात में कुछ ऐसा दिखता है ना पटना जंक्शन। हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हमारे वीडियो एंजॉय करिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर लाइक करिए, कमेंट करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुँचे और हमारा भी इम्प्रूवमेंट हो। सो चलिए मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ। ओके।